Welcome back to the Doordarshan presentation of the Tokyo Olympics 2020. I'm your host, Arjun. The equestrian event, there was the dressage, and after that, the cross country, which would be followed by show jumping. And joining us in the studio is our commentator and expert on equestrian sports. We have Sharad Saxena with us. A warm welcome to you, Sharad, on the program. Thank you very much. And also, of course, I have my lovely co-anchor, Neeti Rawat, to discuss about Fawad Mirza's performance in the cross-country event, which is a 4.5-kilometer course. There is obviously a time of 7 minutes and 45 seconds to complete that course. And we'll find out from Sharad as to what the performance of Fawad Mirza has been in terms of penalty points. He had a penalty of 28 in the dressage event earlier, but in the cross country, he had a penalty of 11.20. And how did he arrive at that penalty? What does it mean for Fawad Mirza? Sharad, do give us your expertise and view on how this equestrian event, how it takes place, and what are the chances of Mirza for a medal in this event? So, Arjun, firstly, this is the equestrian eventing competition. And in eventing, we have three phases. The first phase is dressage. The second phase is a cross-country race with obstacles. And the third phase, which is the final phase, is show jumping. Now, the cross-country phase is over, and 49 riders have successfully completed the cross-country phase. So in 49 qualifications now, Fuad is placed at number 22. So we have 15 team entries. Each team has three riders, and we've got 14 individual entries. That was the starting order. And Fuad has qualified for the show jumping round, which is the final phase of the eventing competition. जब फुआद ने अपना सुबह अपना ड्रेसाज और क्रॉस कंट्री कंप्लीट किया तो वो 39.20 की पेनल्टी के साथ में उन्होंने फिनिश किया और जैसा कि शरद ने कहा है कि अब हम उन्हें कल भी देखेंगे क्योंकि उन्होंने जो है लास्ट फेज यानी जंपिंग फेज के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और लगातार शरद ने जिक्र किया कि इवेंटिंग में तीन कैटेगरी है ड्रेसाज है फिर उसके बाद क्रॉस कंट्री है और जंपिंग है शरद हमने वहां पर फुआद को जो है हमने ड्रेसाज में देख लिया है हमने उनको क्रॉस कंट्री में देख लिया है आपने शायद उनके पास एक्सपीरियंसेस पास परफॉर्मेंसेस अपनी देखे होंगे कि क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जंपिंग में उनका शो किस तरह से रहेगा देखिए आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा सवार और घोड़ा दोनों ही बहुत अनुभवी हैं आत्मविश्वास इनमें पूरा है ये एशियन गेम्स पे सिल्वर मेडल लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती और ये वही घोड़ा है तो इसलिए उम्मीद तो मेरे को बहुत है और दूसरी बात यह है कि शो जंपिंग बहुत ही टेक्निकल खेल होता है जहाँ पे अभी तो फुआद की रैंकिंग नंबर 22 पे है लेकिन इनके जो ऊपर राइडर्स हैं अगर उनका शो जंपिंग में पेनल्टीज आती हैं तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसमें और आपके आपने जो बात मेंशन की अर्जुन के जेंडर पैरिटी तो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स एकमात्र ऐसा फील्ड स्पोर्ट्स है जहाँ मेल एथलीट्स और फीमेल एथलीट्स एक साथ कंपीट करते हैं और ये मैं बड़े गर्व से कहता हूँ एज अ हॉर्स राइडर इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी टू से दिस दैट मेन एंड वुमेन कंपीट टुगेदर इन इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स ऑल डिसिप्लिन ऑफ इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग पोलो मेन एंड वुमेन कंपीट टुगेदर एंड देयर इज एब्सोल्यूट जेंडर पैरिटी क्योंकि घोड़ा और घोड़ी वो भी तो कंपीट कर रहे हैं और आज आपने देखा क्रॉस कंट्री रेस में लॉरा कोलेट फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन द फीमेल राइडर शी वाज द ओनली वन हु कंप्लीटेड द क्रॉस कंट्री विदाउट अ सिंगल पेनल्टी इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस तो यहाँ पे जो घोड़ा होता है ना उसको ये परवाह नहीं है कि आप मेल एथलीट हैं या फीमेल एथलीट हैं आपका मोबाइल फोन कितना महंगा है आपकी गाड़ी कितनी चमक रही है वो केवल आपके स्किल पे चलता है काफी सारे पैरामीटर्स है जो डिसाइड करती है कि मेल कौन से में कैटेगरी में कम्पीट करेंगे फीमेल अलग क्यों कम्पीट करेगी इक्वेस्ट्रियन में जब दोनों के दोनों एथलीट्स इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे की कोई जेंडर बायसनेस नहीं है आप फीमेल हो आप मेल हो आप आइए और परफॉर्म कीजिए जी हाँ ये आपका सवाल बड़ा गहरा सवाल है लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है गौर फरमाइए मेन एंड वुमेन कंपीट टुगेदर बिकॉज द हॉर्स डजंट केयर अबाउट योर जेंडर भाग कौन रहा था घोड़ा छलांग कौन मार रहा था घोड़ा
तो जो राइडर है उसे दिशा दिखानी है, कंट्रोल करना है. इट इज अ स्पोर्ट ऑफ ओनली स्किल. स्किल इज व्हाट डिसाइड्स.